नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आज मैं उमेश से मिलवाना चाहता हूं आप लोगों को कि ये देखिए, इसको अभी मुश्किल से एक महीना हुआ होगा जिम में आते हुए, ठीक है। और रियल में मैं बताऊं, जब से ये आ रहा है तब से मैंने इसको नहीं देखा। एक्चुअली ये बनियान पहन के एक्सरसाइज करता था। अभी आप क्या देख रहे हैं कि इसने जिम कभी जीवन में नहीं किया और प्रोफेशन से क्या रखते ये जो है मिस्त्री है और जो टाइल्स घरों पे लगती है उसका काम करते हैं ये, ठीक है। और बचपन से ही जिम्मेदारियां हैं इनपे और इस वजह से ये अपनी जिम्मेदारियां अपने मम्मी पिताजी नहीं है, माता जी की जिम्मेदारियां, भाई बहनों की जिम्मेदारियां ये खुद ही निभाते हैं। और उम्र कितनी है? 17 साल की इनकी उम्र है, ठीक है। और आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो देखिए, क्योंकि लोग जिम जाते हैं वो लोग जाते हैं जो जो जेनेटिक नहीं है, ठीक है, जो पहले से ही मस्कुलर नहीं है, ऐसे लोग जाते हैं और उम्मीद करते हैं हम बहुत जल्दी ऐसे हो जाए और कंपेयर करते हैं ऐसे लोगों से कि हम इनके जैसे क्यों नहीं हो जाते। आप सोचिए, जिसके बिल्कुल मसल्स नहीं है बॉडी में, वो जब करेगा तो उसको समय लगेगा और प्रॉपर एक डाइट की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब इनके जैसे बंदे बिना डाइट के भी करते हैं तो नेचुरल बड़ा अच्छा कर लेते हैं ये, और बाद में जाके जब ये बड़े हो जाते हैं तो लोग ये कहते हैं ये इन्होंने एनाबॉलिक लिया होगा। तो आप ये देखिए कि इसने कभी जिम नहीं किया है लेकिन फिर भी बॉडी की जो पूरी मसल्स है टाइट करने पर, जरा देखो आप देख लीजिए, प्रॉपर हर मसल्स दिख रही है। चेस्ट की अंदर की इनर लाइनिंग जो जल्दी किसी के आती नहीं है वो उभरी हुई साफ दिख रही है। इसके अलावा आप पूरे एब्स, इनके सिक्स पैक देख सकते हो, साथ में ये रिप्स भी दिख रहे हैं इनके, और बाइसेप का ट्राइसेप हिस्सा दिख रहा है और मसल्स का जो फ्रंट भाग है वो भी अच्छा दिख रहा है। यहाँ से आप देखिए शोल्डर भी उठे हुए हैं, ठीक है, टाइट है और ट्रैक में भी कसावट है, आप समझ सकते हो। अच्छा ये बताओ, इस एक महीने में तुमने एक्सरसाइज क्या की है जिम में? पहले पुशअप मारे, पुलअप भी मारे और कुछ डंबल कुछ। देखो इसने केवल बेसिक, मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस पे 6 बेसिक एक्सरसाइज बताता रहता हूँ, शायद आप ना मानो, हो सकता है अगला जन्म लग जाए फिर भी आप इस बात को ना मानो, लेकिन हकीकत यही है कि इसने ज्यादा एक्सरसाइज एक महीने में नहीं की। और लोग क्या करते हैं, उसी एक महीने में अपने आप को वेट ट्रेनिंग पे डाल देते हैं, जबकि वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है आपको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी लिफ्टिंग करनी है जिसके द्वारा आपकी स्ट्रेंथ बढ़े और आप आगे चल के अच्छा कर पाए। तो इसने क्या किया, बेसिक एक्सरसाइज की और आप देख सकते हो कि इसकी मसल्स पे कसावट है। तो 100% जब ये आया होगा तो मसल्स जरूर ऐसी होंगी लेकिन टाइटनेस नहीं होगी। जो एक महीने से इसने पुशअप पुलअप किया है उसकी वजह से इसके शरीर में हार्डनेस आ गई है। अगर ये लड़का अब एकदम अपनी डाइट पे आके अगर मेहनत करे, अपनी डाइट यानी मतलब एक बॉडी बिल्डिंग रूटीन को फॉलो करते हुए, तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के मेन फिजिक या बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता है? वो भी बिना एनाबॉलिक, बिना इंजेक्शन लिए बिल्कुल बन सकता है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों से कि बिल्कुल बन सकता है। और अगर ये मान लीजिए इसका बजट नहीं है और ये केवल दाल रोटी या घर का खाना जो घर में नॉर्मल सब्जी वगैरह बनती है वो खा के भी बनाएगा ना, तो भी ये बहुत अच्छा कर लेगा, दूसरों से डिफरेंट रहेगा। मैं आप लोगों से इसलिए मिलवाना चाहता था कि ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान ने गिफ्ट दिया है आपको और आप अच्छा कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, मजबूर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मजबूर होते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूं आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए और जो घर का नेचुरल आपको मिले कोशिश करिए, खड़ी चीजें जैसे आपके खड़ी दालें हो गई, चना हो गया, सोयाबीन खड़ी हो गई, ठीक है, चंक्स हो गए, इसके अलावा आपका व्हाइट वाला चना आता है वो हो गया, लुबिया हो गई, राजमा हो गया, इस तरीके की चीजें आप खुला करके खा सकते हैं 3 बार में 4 बार। और वही अच्छी मसल्स के लिए बता रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर अनाज में रोटी वगैरह थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना, चावल ज्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि खड़े चीजों से खा के बॉडी इतनी जल्दी खराब नहीं होती, या जितनी जल्दी हम लोग आटा वगैरह खाते हैं उससे खराब हो जाती है। मैं भी जब रोटी वगैरह खाने लगता हूँ तो मेरी भी मसल्स होती बहुत तेज खराब होती है और जैसे बंद करता हूँ वैसे सुधार भी हो जाता है। तो आप लोगों से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हो कि ये भी अपने आप को, पहली बात को कंपेयर ना करें ऐसे लोगों से, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग भी मेहनत करें और आगे बढ़ें। जो लोग भाई फैटी हैं वो थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें और मेहनत करना सीख लें, बेसिक पे फोकस करें यार। पहले हार्डनेस आएगी फिर उसके बाद मसल्स पे, आप देखो इस पे दिखने लगा आप कहाँ कहाँ काम करना है। अभी तो यार देखो दिखता ही नहीं लोगों में काम कहाँ करना है, इस पे दिख रहा है काम कहाँ करना है। अभी क्या कैसे करो जरा,
अब देखो बैक बिल्कुल फ्लैट जा रही है, तो समझ में आ रहा है ना बैक पे काम कर रहा है, इतना इसका हिस्सा जो है अच्छा लग रहा है और लेकिन बैक नहीं है, तो हमें पता लग रहा है कि इसके बैक को काम करना है, इसके रेशियो को इससे मैच कराना है, बैक ऐसी होनी चाहिए, ठीक है वो करना है, ठीक है। तो ये अब जिसकी मसल्स दिख ही नहीं रही उस पर कैसे पता लगेगा क्या कमियां क्या काम करना, तो समय लगेगा यार, थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसे तरीके के लोग मेरे पास आ जाते हैं तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाँ ये बिल्कुल जेनेटिक है मसल्स मैन, और अगर ये आगे चल के जिम करते हैं ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छी मसल्स इनकी बन जाएंगी, ठीक है। तो लोग वही कहेंगे ना एनाबोलिक से बनाइए, लेकिन ये जेनेटिकली है, तो उनके पास अगर डाइट ठीक ठाक भी हो जाएगी तो भी बढ़िया बनेगा। बस दोस्तों यही था कि आप लोग भी ठीक ठाक डाइट ले लो अगर इस तरीके की कैटेगरी में आते हो तो, या इससे अच्छी कैटेगरी में आते हो डाइट ले सकते हो, तो अगर आप ऐसे हो तो यार आपकी बॉडी फिर एक बार निकालो टाइट करके जरा ये देखो यार बिल्कुल तुमने एकदम लोहे जैसे टाइट, ढीले बिल्कुल नहीं है मसल्स, बिल्कुल ढीली नहीं एकदम टाइट मसल्स है। अब ये डाइट लेकर प्रैक्टिस है सब, मतलब जिस तरीके से पतला था उस हिसाब से इसने बहुत अच्छा किया, अब ये धीरे धीरे और अच्छा करेगी, ठीक है। दोस्तों यही था अपना टॉपिक, देखते रहिए अपना चैनल, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक साथ, तब तक के लिए नमस्कार।